उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। लगा रहा हूँ दर्पण। हेलो, अगर अपने भतीजों को जिंदा देखना चाहता है ना, तो फटाफट 10 लाख रुपए लेके मेरे अड्डे पे आ जा। कौन बोल रहा है? खौफ से तेरे गांव के लोग मुझे दिलावर भाई के नाम से जानते हैं। दिलावर भाई? हाँ दिलावर भाई। ये ले, कर ले अपने भतीजे से बात। ले अपने चाचा से बात कर। चाचा चाचा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। चाचा सुन ली अपने भतीजे की आवाज, अब से तेरे भतीजे की उल्टी गिनती शुरू। दिलावर भाई मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, मेरे भतीजे को कुछ मत करना। हाँ तो ठीक है, फटाफट ना 2 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख रुपए लेके मेरे अड्डे पे आ जा। ठीक है। दिलावर भाई मेरे भतीजे को छोड़ दो, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे किया, ये रहे आपके 10 लाख रुपए। ले आ रहे के भतीजे ने। भाई आपने मुझसे जैसा बोला था मैंने वैसे किया, फिर भी आपने मेरे भतीजे को मार दिया, मैं तो पैसे भी लेकर आ गया था। अरे मारड़ की ना सोची थी इसने, पर इसने दिलावर के को ना अटक कर दिया था। मुंह मां खोल रहे इसका, कदे सांस रुक के मरना जा कदे हो देखिने। पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं, साढ़े एक दिन तू कुत्ते की मौत मरेगा। भाई इसका चाचा पैसे लेके आता होगा, उसको क्या बोलोगे? अरे उसके चाचा ने ताण दे, उसके चाचा तो लाश दे देंगे। हेलो, कहाँ हो भाई? घर पर था, तू रो क्यों रहा है, सब ठीक है ना? भाई सब खत्म हो गया, मुझे तुमसे मिलना है अभी। ठीक है मैं अभी आता हूँ, ये बताओ तुम हो कहाँ? यही गांव के शमशान पे, तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मैं उस दिलावर को छोड़ूंगा नहीं, उसे कानून से सजा दिलवा कर रहूंगा। कोई फायदा नहीं है, यहाँ की पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस और कानून सब उसी का है। पर उसने मेरे भतीजे को मेरे सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। भाई रो मत, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके नाम से एक जमाने में दिलावर जैसे गुंडों की पैंट गिर जाती थी। कौन है वो? चौधरी नाम है उसका, गरीबों के लिए भगवान और गुंडों के लिए ऐवान था वो, और प्यार से लोग उसे देसी रोनड़ कहते थे।
बराबर जेड़ा मैं बड़ी आदत घंटा रोटी केक तो भावे तो न सलाद मखा करे डार्लिंग डिग्री रे तेरा यार करे अपराध मगा तू करे डार्लिंग डिग्री रे भाई कोई मिलने आया आपसे कौन है और भाई से क्या बात करनी है पता नहीं बोल रहा कुछ बिजनेस की बात करनी है तो जा तू खुद ही बात कर ले उससे नहीं पर वो भाई से ही मिलना चाह रहा है कौन है जो यहाँ बिजनेस की बात लेके आया है एक काम कर अंदर लेके आओ ठीक है भाई भाई आज तक आपका नाम ही सुना था आज आपके दर्शन भी हो गए चौधरी भाई आपसे उम्मीद है आप ही मेरा काम करा सकते हो काम क्या है सीधा बोल चौधरी भाई आपके गांव के पास जो कच्ची बस्ती है ना वहाँ मुझे 200 एकड़ जमीन चाहिए वहाँ मैं एक प्लांट लगाना चाहता हूँ उसके बदले में आप जो रेट मांगोगे ना वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ जमीन तो मिल जाएगी पर प्लांट किस चीज़ का लगाओगे अरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं मैंने वहाँ नकली दारू का प्लांट लगाना है और बस आपकी परमिशन चाहिए आपका हिस्सा टाइम टाइम पहुँचाते रहूँगा बाकी सब मैं देख लूँगा बस चौधरी बस्ती वालों के लिए जान दे सकता है तो जान ले भी सकता है तेरी भलाई इसी में ये धंधा करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे तू देख लो चौधरी भाई इस डील में आपका ना फायदा ही फायदा है अच्छा होता अगर तू यहाँ पहले मेरे बारे में अच्छे से जान लेता अब इससे पहले कि तुझे काट कर यहीं गाड़ दूँ निकल जाए यहाँ से निकालो इसके बाद अरे राकू एक बार चलना साथ में वो लाला से एक पेमेंट लेके आनी है पर मुझे तो ऐसा कुछ बताया नहीं चौधरी भाई ने अरे वो मुझे बोला ना और उन्होंने बोला कि मैं तुझे साथ ले चलूं चल ठीक है ले आते हैं पेमेंट क्या हुआ पता नहीं भाई क्या हो गया इसको यार रुक मैं देखता हूँ तू खोल सॉरी दोस्त दिलावर के 10 करोड़ तेरी जान से बढ़कर है गद्दार ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अगर चौधरी भाई को पता चल गया ना वो तुझे छोड़ेगा नहीं उसको पता चलेगा तब ना दिलावर भाई आपका काम हो गया है पेमेंट तैयार रखना देख मने सब में समझदार तू लग रहा है देख अगर तू मेरे साथ मिलकर काम करेगा ना तो तुझे ना कभी किसी नीचे रहकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहना क्या चाहता है तू सोच ले पूरे 10 करोड़ दूंगा और तू पूरी जिंदगी चौधरी के साथ काम करके भी ना 10 करोड़ नहीं कमा पाएगा पूरे 10 करोड़ हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे ठीक है शाम को कॉल करके बताता हूँ अब निकल यहाँ से भाई और उस दिन के बाद अपने भाई जैसे दोस्त को खोकर चौधरी ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया पर भाई अब कहाँ मिलेगा वो अब वो नाम और पहचान बदलकर दिल्ली के एक गांव में किसी गैरेज में काम करता है पर भाई वो हमारी मदद करेंगे ना
नहीं भाई, मुझे नहीं लगता वो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि वो ये सब बहुत पहले छोड़ चुका है। पर भाई मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो ठीक है भाई, तुम्हें लगता है तो कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली चलते हैं। कौन चौधरी? ठीक है रोहित नाम है का? कोई चौधरी चाधरी नहीं रहता, लिख लो उठते। भाई साहब हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुमने एक बात में समझ में आता के गलत एड्रेस पा रहे हो तुम, चलो लिख लो उठते। बताओ बात क्या है भाई? मेरा भतीजा ही मेरा इकलौता सारा था, वही मुझसे दिलावर ने छीन लिया। कानून के इंसाफ पे हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें पता है अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। पर ये सब मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ, अब दोबारा मैं उस दलदल में नहीं पड़ना चाहता। भाई आपको पता है आपके भाइयों किसने मारा था? हाँ शायद उस दिलावर ने। नहीं भाई सरदार, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, अगर चौधरी भाई को पता चल गया ना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। उसको पता चलेगा तब ना। रो, तूने किसी को बोला तेरे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा जान से। उस धमकी की वजह से मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया और आज भी वो दिलावर के साथ काम कर रहा है। क्या सुल्तान, समान बात गांव निकलना है। भाई यार तेरे को पता है आज ना मेरे को एक अलग सी घबराहट हो रही है यार, मैं परेशान हो रहा हूँ, डर लग रहा है यार मुझे। अरे यार हम ना दिलावर भाई की आदमी है, दुनिया हमसे डरती है ना कि हम किसी से डरते हैं। भाई बात तो एकदम सही बोल रहा है तू। अबे भाई उसको गोली किसने मार दी? अरे कौन है तू? तू जानता नहीं है हम दिलावर के आदमी हैं। बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। यहाँ के लोग प्यार से मुझे देशद्रोही नूड कहते हैं। चौधरी भाई आप? भाई भाई प्लीज मुझे मत मारो। दिलावर, नंबर देखकर पहचान लिया या नाम बताऊं? अरे तने किस तरह भूल सकूं चौधरी, तेरे तो बहुत पुरानी जान पहचान है। जान पहचान तो बहुत पुरानी थी पर आज वो खत्म हो जाएगी। अब ये बता तू आ रहा है या मैं आऊं? दिलावर जरूरत ना टाइम को ना, एक काम कर तू ही आ जा। आ रहा हूं, अपनी आखिरी सांस गिन ले। हां तो आ जा। इस टाइप के आदमी है ना दादा, उसमें दिक्कत यही है हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। वेलकम चौधरी वेलकम, मैंने सोचा तू कभी वापस आएगा नहीं, पर वो कहावत ना जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, मुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई। वो तो अभी पता लग जाएगा दिलावर कि किसकी मौत मुझे यहाँ लेकर आई है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ले बंदूक, इसका यहीं का काम तमाम करता हूं भी। सुना नहीं देगा तुझे। हो गया काम तमाम,
तुझे क्या लगा था तू ही मेरे बंदे खरीद सकता है, मैं नहीं। भाई, भाई प्लीज मुझे मत मारो। तुझे छोड़ तो दूंगा पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। भाई आप जो भी काम बोलोगे मैं वही काम कर दूंगा, बस आप मेरी जान बख्श दो। एक काम कर, दिलावर की पिस्तौल गायब कर दे जाके। जी भाई हो जाएगा आपका काम, चल निकल। सर खतरनाक खेल बिंडाला तू अच्छी ढालते इबे जानता नहीं तेरे जिसे कूतरू रे बिंडा के तले तू खुद ते बड़ा किसे ने मानता नहीं लठांगे ले तोड़ने दो चार जने बहुत मजा आवेगा खेल में।